गाइस, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 50,000 से 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा है। अगर आप भी इस लोन का लाभ उठाना चाहते हो तो कैसे इस लोन के लिए अप्लाई करें, ये सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो गाइस, वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना, इससे पूरा प्रोसेस देखने को मिलेगा और आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो गाइस, देरी नहीं करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले टेक्निकल और एजुकेशनल ट्रस्टेड अपडेट के लिए लर्न विद माय चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल को प्रेस कर दीजिए। तो गाइस, आप भी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो सिंपली अपने गूगल ब्राउजर में सर्च करनी है पीएम मुद्रा योजना, और सर्च करने के बाद जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का जो वेबसाइट है वह खुल जाएगा। तो सिंपली उसके ऊपर क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले अपने मोबाइल को डेस्कटॉप साइट में कर लेनी है, जिससे आप अपना जो भी फॉर्म है और यहाँ पर अच्छा सा जो वेबसाइट है देख पाएंगे। तो सिंपली जैसे आप यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपका जो भी लोन का जो फैसिलिटीज है वो सारे शो करेंगे। तो गाइस, सबको मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो मुद्रा लोन है ये प्रधानमंत्री द्वारा ये 2015 से ही दिया जा रहा है, तो इसका लाभ आप आसानी से अभी 2020 का जो अपडेट है फिलहाल मैं दे रहा हूँ, 2020 में जो अपडेट है ये किस प्रकार से इसे उठा सकते हैं। तो प्रधानमंत्री जो मुद्रा लोन है इसका लाभ तीन तरह से दिया जाता है, एक शिशु लोन और एक होता है कि किशोर लोन और तीसरा है तरुण लोन। तो शिशु लोन में आपको 50,000 रुपए तक का आपको मिलेगा और किशोर लोन में आपको 50,000 से 5 लाख तक का लोन मिलेगा, और उसके बाद आता है तरुण लोन तो आपको 10 लाख तक का मिलेगा। तो आपको ज़रूरत के अनुसार जो भी लोन उठाना चाहते हैं वो यहां से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको 50 लाख का उठानी है तो आपको शिशु लोन को सेलेक्ट करनी है, और अगर आपको किशोर लोन उठानी है तो आपको 50,000 से 5 लाख तक का लोन मिलेगा, और आपको तरुण लोन उठानी है तो 10 लाख रुपए तक का मिलेगा। तो मैं गाइस दिखा देता हूँ किस प्रकार से आप किशोर लोन या तरुण लोन या आप शिशु लोन उठा सकते हो। तो सिंपली जो भी आप लोन उठानी है तो आपको जैसे किशोर लोन उठानी है तो आपको किशोर लोन पर आपको क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर गाइस दे दिया गया है PMMY किट। तो जो भी यहाँ से जो इसका लाभ है और क्या क्या जो फैसिलिटीज है और स्टेटस को चेक करने के लिए यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे स्टेटस अपना चेक करेंगे तो पास में यहाँ पे जूम कर देता हूँ, यहाँ पे चेक लिस्ट फॉर शिशु एप्लीकेशन, तो आपको यहाँ पे डाउनलोड करनी होगी इसका फॉर्म। जैसे ही आप क्लिक करते हैं नीचे में डाउनलोड का ऑप्शन आता है, यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये डाउनलोड हो जाएगा, और इसे ओपन करते हैं तो इसके ओपन करने के बाद इसका जो भी फैसिलिटीज है क्या क्या पैन कार्ड लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, क्या क्या प्रूफ्स लगेंगे और क्या क्या इसके फैसिलिटी, ये सारी जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी। उसके बाद जो आता है गाइस यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म शिशु का, तो यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं कि अगर आपको जो फॉर्म है एप्लीकेशन का वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे आपको इस फॉर्म को डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे किस प्रकार से ये फॉर्म को फिलअप किया जाता है ये सारी जानकारी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो जैसे ये फॉर्म को आप सबको सबसे पहले आपको फिलअप करना दिखा देता हूँ क्या क्या इसमें फिलअप करनी होती है, जिससे आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो सबसे ऊपर में आपको एप्लीकेशन नंबर दिया गया है तो आपको एप्लीकेशन नंबर देनी है, उसके बाद डेट दिया गया है डेट देनी है, उसके बाद जो नेम ऑफ बैंक है तो उसको आपको देनी है, उसके बाद पास में यहाँ फ़ोटो दिया गया है तो आपको फ़ोटो यहाँ पर दे देनी है स्टाम्प साइज फ़ोटो, उसके नीचे में आपको यहाँ पे नेम का ऑप्शन दिया गया है तो आपको नेम दे देनी है, उसके बाद अपना फादर का नाम देनी है, उसके बाद रेसिडेंशियल जो एड्रेस है उसे देनी है, उसके बाद आपको बिजनेस एड्रेस है अगर आपका तो वो भी देनी है, उसके बाद यहाँ डेट ऑफ देनी है, उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन जो है आपका उसे देनी है। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बाद यहाँ 10th और 12th ये जो भी आपका है जो ग्रेजुएशन है तो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आता है KYC का अपडेट, तो आपको KYC में जो भी आपका एड्रेस प्रूफ है या आपका आधार कार्ड वोटर कार्ड जो भी है आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको एड्रेस प्रूफ आपको यहां देनी है तो आप एड्रेस प्रूफ सेलेक्ट करें। उसके बाद यहां मोबाइल नंबर है आपके पास तो मोबाइल नंबर यहां देनी है, मेल एड्रेस भी देनी है। उसके नीचे में ही यहाँ पर आपको बहुत सारा दे दिया गया, एनुअल जो सेल है आपका जो अगर आप कोई बिजनेस करते तो एनुअल सेल है ये इनकम है उसे आपको यहाँ डालनी है। उसके बाद अगर कोई स्किल है सर्टिफाइड तो आपको इसको यहाँ पर देनी है। उसके बाद यहाँ पर OBC में अगर आप आते हैं या अगर जनरल में तो उसको भी यहाँ पर टिक मार्किंग करनी है। उसके बाद यहाँ पर अकाउंट डिटेल्स जो देनी है अपना बैंक का, उसके नीचे में आपको डिक्लेरेशन में नीचे में आपको डेट एंड प्लेस को यहाँ पे फिलअप करनी है, और यहाँ पे आपको थंब देनी है, अगर सिग्नेचर करना चाहते हैं तो सिग्नेचर कर सकते हैं या थंब भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लोन के एप्लीकेशन नंबर देनी है और यहाँ प्लेस डेट का देना है, यहाँ पर ऑथोराइजेशन जो ब्रांच सील है उसे देनी है, और उसके नीचे में लोन से कितना तक आपको चाहिए और प्राइस ये सारे देनी है। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे जो है अथोराइजन सिग्नेचर ब्रांच सील साइन कर देनी है और पास में यहाँ पे प्लेस दे देनी है। तो ये जो फॉर्म फिलअप करने के जो तरीके हैं इसे आपको फिलअप करनी है,
और फिलअप करने के बाद जो जो इसमें डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायर है उसे आपको इसके साथ पिनअप करनी है, और पिनअप करने के बाद आपको अपने नज़दीकी ब्रांच में जिसमें आपने फॉर्म में नाम दिया था बैंक का, उस ब्रांच में आपको सबमिट कर देनी है, और सबमिट करने के बाद आपका जो फॉर्म है उसे वेरीफाई किया जाएगा, और आप जैसे ही पास हो जाता है तो आपको बैंक के द्वारा लोन दे दिया जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है, इस प्रकार से आप लोन, जो तरुण हो या शिशु हो या आप किशोर हो, ये कोई भी लोन आप आसानी से उठा सकते हो। तो गाइस, आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से आप जो लोन है उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर अभी कोई कन्फ्यूजन है, क्वेश्चन है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और ऐसी टच एंड नॉलेज वीडियो के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर, जय हिंद।